हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैक्टर बाजी में। तो हमारे सामने खड़ा आइसर का 485 जो कि 2945 सीसी के 3 सिलेंडर इंजन के साथ आता है और 45 हॉर्स पावर ये ट्रैक्टर जनरेट करता है और जो P2 HPS की 38.3 है। आज ये धान बरसाने वाला जो पंखा होता है उस पर लगा हुआ है। जो इस ट्रैक्टर के मालिक हैं और जो इस ट्रैक्टर को चलाते हैं, मतलब उनसे हम जानेंगे इस चीज़ पर वो कैसा काम करते हैं, मतलब और किस किस इंप्लीमेंट पर उन्होंने चलाया हुआ और हर चीज़ पर वो कैसा काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं उन्हें अपना नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार, ग्राम खिलवाई, जिला हापुड़। तो ये जो आईसर 485 आप लगभग इसे कब से चला रहे हैं? ये लगभग 2 साल से चला रहे हैं। 2 साल से? 2 साल पहले आपने नया लिया था ये? नहीं, सेकंड हैंड लिया, ये थोड़ा चला हुआ। अच्छा, तो बात करें जैसे सेकंड हैंड लिया तो कोई दिक्कत परेशानी ट्रैक्टर के अंदर हो? नहीं, कुछ नहीं, मतलब बढ़िया तरीके से काम करता है। आप इसे धान बरसाने वाले के पंखे के ऊपर चला रहे हैं आज, तो बात करें ये मतलब कैसा काम करता है इसके ऊपर? बढ़िया काम कर रहा है। इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर आपने यूज किया इसके ऊपर? इससे पहले हमने बहुत ट्रैक्टर यूज करे हैं। लगभग कौन कौन से? महिंद्रा भी करा है, स्वराज भी करा है। तो उन दोनों में और इसमें क्या फर्क लगा आपको? इसके एक तो खिंचाई बढ़ गया, ये धान बरसाने का काम तो हमारा कम ही है, ज्यादातर हमारा कंप्यूटर मांझे काम है इस पर। अच्छा, तो कंप्यूटर मांझे पे बढ़िया एवरेज है इसका। एवरेज की बात आ गई तो ये बताइए, मतलब कंप्यूटर मांझे पे, पंखे पे, मतलब सब चीजों पे एवरेज क्या क्या है इसका? पंखे पे तो 2.25 लीटर घंटे का डीजल ले रहा है। अच्छा, और कंप्यूटर मांझे पे 3.5 लीटर घंटे का लेता है। बात करें चलने में कंप्यूटर मांझे के ऊपर, आपको सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रैक्टर कौन सा लगा? कंप्यूटर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस इसी ट्रैक्टर के 485 के, मतलब इससे अच्छा कोई सा ट्रैक्टर नहीं लगा। इसकी चाल ज्यादा है और ट्रैक्टर से। आपने महिंद्रा और स्वराज चलाए, तो मतलब चलने में बात करें वैसे रोड वगैरह पे तो कौन सा फिर ज्यादा बेस्ट लगा? स्वराज का थोड़ा तेल का खर्चा ज्यादा है। खर्चा ज्यादा है लेकिन काम की बात करें, उसका काम बढ़िया उसका भी, पर उसका थोड़ा तेल ज्यादा लेता। ये जैसा तेल लेता काम बढ़िया करता है, थोड़े तेल में भी। अच्छा, थोड़े तेल में भी बेहतरीन तरीके से काम करता है जी। बात करें और महिंद्रा की, वो भी ठीक है पर थोड़ा सा लोड पर एकदम ही दब जाता है वो। आपने इसे लोड पर टेस्ट कराया वैसे? हाँ, हमने ये रूटर पे भी चलाया, कल्टीवेटर पे चलाया, हैरो पे भी चलाया। तो रूटर पे कितना एवरेज आता है लगभग इसका? रूटर पे लगभग 1.25 लीटर बीघे का लेता जेल में, दो वहां में। और टिलर कल्ट इन पर सब पर, मतलब टिलर हैरो पर, टिलर पर लेता लगभग 700-800 ग्राम बीघे का। अच्छा, डबल। तो अगर बात करें जैसे आप कंप्यूटर मांझे पे चलाते हैं, तो ये सुना है कि कंप्यूटर मांझे पे काट ज्यादा अच्छी चाहिए, तो इस ट्रैक्टर की काट कैसी है? काट बढ़िया, इसकी स्टीयरिंग और काफी हल्का है, जैसे सादा स्टीयरिंग है ना तो बढ़िया चलता। मैंने कई लोगों से सुना है कि मतलब और जो इसके कंपैरिजन के ट्रैक्टर है उनसे सबसे बढ़िया काट इस ट्रैक्टर की, मतलब छोटे जगह में आराम से घूम जाता है। तो आप इस ट्रैक्टर के बारे में क्या और मतलब कुछ बताना चाहें किसान भाइयों को? बढ़िया ट्रैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ही थोड़ा ही काम कर सकते हैं अपना और ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी इम्प्लीमेंट पे चला सकते हैं आप इसे। आपने मतलब सब इम्प्लीमेंट पे टेस्ट कर रखा है लगभग, मतलब अगर लोड की बात करें लगभग लास्ट आपने कितना लोड इस ट्रैक्टर से खींचा हो? रूटर चलाया ज्यादातर, वैसे पहले रूटर चलाया, जब कंप्यूटर वाया नहीं थे जब रूटर चलाते थे इसको। तो रूटर पे ट्रैक्टर जैसे मतलब दबता नहीं था कुछ? दबते तो खैर सब ही है, पर ये है फिर भी जैसे छोटा ट्रैक्टर है 4555 में अच्छी परफॉर्मेंस देता, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं करता था, मतलब दबते बहुत ट्रैक्टर है फिर भी जो इस मतलब बहुत सारे ट्रैक्टर से नहीं दबते, बड़े प्यार से ले जाते हैं। टॉर्क ज्यादा होने के कारण इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया। अच्छा, बढ़िया है, तो मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं दबता था, थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा ही बहुत ही, मतलब मामूली। हाँ, 150 RPM तो सब ड्रॉप करते हैं, पर इतना ज्यादा नहीं, मतलब कर जाता था थोड़ा RPM ड्रॉप। और आप जैसे पंखे के ऊपर चलाते हैं तो इस पर मतलब कुछ बताना चाहें आप इसके बारे में, पंखे के बारे में या ट्रैक्टर के बारे में? पंखे पर तो खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ खास बात जो आप किसान भाइयों को अपने मतलब थ्रू बताना चाहते हो, आइसर की कुछ कमियां हो या कोई खास बात हो वो सब बता दीजिए आप आज। इसमें बस एक कमी है इसके झूले में, मतलब इसका झूला जो है काफी हल्का दिया, जैसे महिंद्रा का या सोनालिका का, स्वराज का, उनका झूला काफी हैवी है। इसका झूला एक तो इसमें रिटर्न नहीं है, आगे तो हल्का है, और झूला हल्का होने की वजह से और झूला हो जाता है, इसलिए झूले में सपोर्ट कम दी गई है। अच्छा, ये कमी लगती है आपको? थोड़ा झूला और कंपनी थोड़ा सा बढ़िया करते तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कमी या फिर और कोई खास बात हो आप इसके ट्रैक्टर में? कमी तो खैर और कुछ नहीं है इसमें, सारी खूबी खूबी है, तो जो चला रहा है सही पता है इसकी खूबी का। अगर बात करें जैसे ब्रेकिंग वगैरह की, कैसी ब्रेकिंग है इसकी? ब्रेकिंग बढ़िया, एक नंबर ब्रेकिंग, ऑयल ब्रेक। तो ब्रेकिंग से कोई शिकायत नहीं? ट्रैक्टर से कोई शिकायत नहीं?
जैसे आप इसे आज इसके ऊपर चला रहे हैं पंखे के ऊपर, और आप मतलब इससे पहले आपने स्वराज वगैरह भी यूज किए हैं, तो मतलब स्वराज वगैरह का खर्चा ज्यादा बता रहे हैं? तेल का खर्चा ज्यादा है। बात करें महिंद्रा की तो लोग ये कहते हैं महिंद्रा का खर्चा ज्यादा नहीं है। खर्चा ज्यादा नहीं है उसका भी, महिंद्रा का भी। तो पर ये है कि सबकी अपनी अपनी पसंद है। ये बात भी आपको बिल्कुल ठीक है। देख सकते हैं किसान भाई हो, भैया ने बताया सर 485 के बारे में आपको, पंखे के ऊपर चलता हुआ इस टाइम ये ट्रैक्टर है। आपको ये भी दिखाएंगे कि मतलब कैसे काम करता है पंखे के ऊपर, क्या कैसे मतलब, बहुत से किसान भाइयों ने नहीं देखा होगा, क्या पता, तो एक बार जरूर दिखाएंगे कि कैसे काम करता है पंखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान भाइयों को आयसर 485 जो आप पंखे पर चलाते हैं या रूटर पर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। किसान भाइयों एक बार आपको पंखे मतलब कैसा काम करता है ये भी दिखाएंगे। देख सकते हैं पंखा इस तरीके से कुछ काम करता है यहाँ पर। इसमें मूंजी डाली जाएगी, इसका जो भी कबाड़ वगैरह देख लीजिए, यहाँ पर साफ मूंजी, उधर कबाड़ जा रहा है। तरीके से कुछ ये पंखा काम करता है, जो कि आज आयसर 485 के ऊपर चलता हुआ। किसान भाइयों आपने देखा जो इस ट्रैक्टर को चलाते हैं, हमने आपको उनकी मतलब रिव्यू दिया मतलब कैसा ट्रैक्टर है, और आपको पंखा चलता हुआ भी दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच।